राजस्थान में सियासी पारहा बढ़ा हुआ है, जहां कुछ दिन पहले ही सदन में ठाकुर का कुआं वाली कविता पर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भिड़ गए थे, तो वहीं एक बार फिर से राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया। राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के बाद भजनलाल सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया है। टीकाराम ने कहा कि राज्य में जब से बीजेपी सरकार आई है, लोकतंत्र में काले अध्याय जुड़ रहे हैं। आज एक बार फिर से लोकतंत्र में काला अध्याय जुड़ गया है। टीकाराम ने आरोप लगाया कि विधानसभा में विपक्ष की बातों को सुना ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहती है, कल मेरी बात को भी नहीं सुना गया। विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर मैंने लिखित में प्रस्ताव दिया, लेकिन आसन ने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी। आप चाहें तो पूरी प्रोसेसिंग और वीडियो के फुटेज निकलवा लें। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर हमारे सदस्य की कोई गलती होगी तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। निलंबन के लिए पहले हाउस को प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है, लेकिन यहां तो सीधे निलंबित ही कर दिया गया। सत्ता पक्ष की ओर से बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब सत्ता पक्ष विपक्ष को इग्नोर कर रहा है। निलंबन के समय सदन में कोई वोटिंग नहीं करवाई गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं के विपरीत दिशा में निलंबन है। सरकार ये बता दे कि संसदीय कार्य मंत्री के बेटे को AAG नियुक्त नहीं किया गया। नए नियम आने के बाद भी पुराने नियमों से एक अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ता गांव गांव तक जाएंगे, हम संविधान खत्म नहीं होने देंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये विपक्ष को और देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश के लिए हालात खराब हो सकते हैं, बीजेपी यहां बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाह रही है। भारत की खूबसूरती थी कि बाबा साहेब के संविधान को, लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचा रखा है। वही मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि AAG का मामला 6 महीने पुराना है। हमने आसन व्यवस्था दी थी नियम के तहत आने का, लेकिन विपक्ष ने नहीं माने। मनमानी तरीके से सदन को चलाने की कोशिश की, आसन का सम्मान करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। आज भी निलंबन रद्द हो सकता है, लेकिन आदेश के निर्देश नहीं माने गए। आसन और सदन की एक मर्यादा है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के आरोप पर कहा कि विपक्ष की ओर से विधानसभा का समय खराब किया गया। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं।